विज्ञान कक्षा 10 क्लास 10 की साइंस चैप्टर नंबर 3 धातु अधातु मेटल एंड नॉन मेटल वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। बहुत सारे सवाल इसमें आते हैं, अब से लेके पूरी जिंदगी भर जितने एग्जाम देते रहोगे भगवान की जिंदगी भर ना देने पड़े, पहली सिलेक्शन हो जाए वहां तक ये पूछा जाएगा। सबसे पहले समझ लो बेटा धातु और अधातु में अंतर क्या होता है, मेरे मुखमंडल से समझ लो और प्यार से सुन लो, और सुनने के बाद कहीं पर नोट्स बना लेना, ठीक है। और बेटा लिखोगे को पेपर में भी लिखना पड़ेगा, वहां पे टीचर नहीं लिख के लेके जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। देखो बेटा लिखने की प्रैक्टिस सभी ना छोड़े। पहली बात बेटा मेटल और नॉन मेटल में जो सबसे पहला अंतर है वो क्या है कि बेटा धातु को गलाकर दूसरी चीजों में परिवर्तित किया जा सकता है। लोहा पिघला जहाज बनाया, लोहा पिघला कील बनाई, लेकिन नॉन मेटल मतलब अधातु को पिघलाकर कुछ और चीज नहीं बनाई जा सकती। कुछ अधातु है जिन्हें पिघलाकर कुछ और बनाया जा सकता है, तो जब मैं अंतर बताऊं तो अंतर फिक्स नहीं होता। फिक्स मतलब समझो कि यही अंतर, ऐसा अंतर नहीं कि भैया बस यही कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए, नहीं, काफी सारे अंतर बताए जाते हैं, उन सारे अंतरों को मैच किया जाता है और फिर किसी को धातु और अधातु में रखा जाता है। समझ गए? आगे तुम्हें कुछ ऐसी अधातु और धातु मिलेंगी जिनके गुण धातु जैसे होंगे, मतलब होंगी धातु और गुण होंगे अधातु जैसे, और कुछ ऐसी धातु मिलेंगी है धातु और गुण होंगे अधातु जैसे। बेटा वही चीज है, एग्जाम्पल में पूछ लेता है एग्जामिनर पूछ लेता है नॉलेज चेक करने के लिए। दूसरी चीज कि बेटा ये डक्टाइल होते हैं, डक्टाइल का क्या मतलब है कि बेटा ये तारत्व होते हैं, इसका मतलब इनको खींचा जा सकता है। स्टील की तार बना देते हैं, कॉपर की तार बना देते हैं, लोहे की तार बना देते हैं, लेकिन बेटा नॉन मेटल जैसे कि लकड़ी, क्या उसको खींच के तार बना सकते हो? क्या उसको गलाकर कुछ और बना सकते हो? ऐसा नहीं हो सकता। तीसरी चीज है बेटा कंडक्शन ऑफ हीट, मतलब गर्मी, गर्मी की ऊर्जा को ये कंडक्ट करती हैं, मतलब संचालित करती हैं, मतलब सुचालक है गर्मी की। जैसे कि लोहा एक तरफ से गर्म होगा तो तुम्हारे पीछे जहां से तुमने पकड़ रखा है वहां से भी हो जाएगा, मान लो ये लोहे की छड़ो यहां से गर्म कर दो गर्म हो जाएगी नहीं हो जाएगी, पर ये लकड़ी है यहां से जलाऊंगा कि यहां जलेगा मुझे नहीं जलेगा, क्योंकि वो यहाँ ऊर्जा ऊर्जा नहीं आ सकती। इसी तरीके से बेटा इसके अंदर होता है बिजली का, बिजली भी बेटा धातु में चल जाती है, संचालक है, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन होती है इसमें, गुड कंडक्टर। पर बेटा अधातु के अंदर क्या ये बिजली चल सकती है इसमें? नहीं चल सकती। अगली चीज देखो बेटा मेटल होता है सॉलिड ठोस, धातु क्या सॉलिड, लेकिन अधातु है बेटा इतनी सॉलिड शायद कई बात में नहीं होती, कुछ सॉलिड हो सकती है, लेकिन ये लोहे जितनी सॉलिड है क्या? नहीं है। देखो अगली चीज देखो कि बेटा इसे गलाने के लिए और इसे मतलब इसको गर्म करने के लिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, इसका जो गलनांक है वो क्या है? बहुत हाई है, बहुत ज्यादा गर्म करना पड़ेगा तब जाके लोहा पिघलेगा। इसमें है ऐसा? थोड़े से में जल के खत्म हो जाएगा, माचिस की तिल्ली से भी जला दोगे तुम उसको अगर पूरी प्रैक्टिस करो तो, लाइटर से जलाया जा सकता है इसको। समझ में आ गया? एक और चीज देखो कि बेटा मेटल जो होते हैं चमकदार होते हैं, धातु चमकदार होती है और अधातु के अंदर ऐसे गुण नहीं होते। एक और चीज देखो स्वर रस, इसका मतलब बेटा ये धातु जो है आवाज उत्पन्न कर सकती है। लोहे के जो एक गोल गोल होता है घंटी, उसमें मारते हैं तो आवाज होती है ना पीरियड में, लेकिन अगर वो लकड़ी का बना दूं उसमें मारूं तो आवाज होगी? नहीं होगी ना। हाँ, क्योंकि बेटा अधातु में आवाज नहीं निकल सकती, साउंड नहीं प्रोड्यूस करता, और धातु साउंड अच्छी लेवल में प्रोड्यूस करता है। अब बेटा कुछ एक्सेप्शन सुन लो, मतलब कुछ ऐसे नाम सुन लो जो कि गुण को नाम दो धातु का, गुण अधातु के वो दिखाते हैं और यहीं से सवाल पूछे जाते हैं। बेटा कार्बन जो होती है कार्बन ग्रेफाइट जो तुम्हारे पेंसिल का होता है, वो एक अधातु है। क्या है? अधातु, लेकिन वो चमकीला भी है, चमकदार होता है ना, शाइन मारता है, ठीक। तो क्या हुई, कैसा गुण है उसका? धातु जैसा गुण है पर है अधातु। और दूसरा गुण, अगर उसको बिजली में एक तरफ लगा दो तो दूसरी तरफ करंट मारेगा आपको, मतलब उसके अंदर बिजली चल सकती है और वो है अधातु। लेकिन दो गुण उसके अंदर कैसे हैं? धातु वाले। अगला देखो आयोडीन, आयोडीन भी बेटा अधातु है वो, लेकिन वो भी कैसी होती है? चमकदार। जैसे ग्रेफाइट क्या है? चमकदार, लेकिन है अधातु पर फिर भी क्या है? चमकदार। अगला है बेटा मरकरी। क्या? मरकरी, जिसे पारा बोलते हैं थर्मामीटर वगैरह में जो होता है पानी की तरह, बेटा वो ऐसे टेम्परेचर पे भी कैसा होता है? घर में भी होता तो कैसा? लिक्विड होता है। कैसा होता है? लिक्विड, तरल फॉर्म में होता है। लेकिन हमने तो क्या पढ़ा था कि धातु तो भैया सॉलिड होती है, कैसी होती है? सॉलिड। लेकिन उस मरकरी के केस में ये सब बात सही नहीं बैठती। अगला देखो बेटा कुछ ऐसी धातु है जो कि इतनी मुलायम है कि उनको चक्कू से भी काटा जा सकता है। जैसे कि बेटा
सोडियम पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम बेटा वो क्या है, एल्कली एल्कली मेटल है, मतलब वो छोड़ो आगे बताता हूँ कि बेटा वो ऐसी धातु है कि धातु कैसी होती है सॉलिड, क्या लोहे को काट सकते हो लेकिन सोडियम को काट सकते हो, पोटेशियम भी किसी तरीके से होती है। दूसरी बात मैंने तुम्हें क्या बोला था कि बेटा सबसे ठोस क्या होता है, धातु, लेकिन कार्बन का ही एक अवयव है जिसको हम बोलते हैं डायमंड, हीरा, वो बेटा दुनिया में सबसे ठोस चीजों में से एक है, उसे तोड़ना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत ठोस होता है वो, बहुत मजबूत शक्तिशाली होता है, लेकिन वह क्या है, अधातु है, क्या है, अधातु, अधातु। बात समझ में आ गई, ठीक है बेटा। अगली चीज देखो, अब हम पढ़ेंगे मेटल किस तरीके से रिएक्शन करते हैं, मेटल किस तरीके से रिएक्शन करते हैं, देखो केमिकल रिएक्शन हम पढ़ेंगे बेटा, मेटल्स की धातु किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया करता है। बेटा एक चीज याद रखना, मैंने तुम्हें धातु के बारे में एक चीज जरा बता दूं, धातु हमेशा बेटा अपना इलेक्ट्रॉन खोता है या देता है, या तो खोता है इलेक्ट्रॉन या दे देता है, क्या देता है, दे देता है, और जिसकी वजह से वो क्या बन जाता है, पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव आयंस बनाता है, क्या बनाता है, पॉजिटिव आयंस बनाता है। बेटा इस चीज को तुम्हें बहुत ध्यान से याद रखना है। एक मैं लेता हूँ सोडियम, क्या सोडियम, सोडियम का बेटा नंबर क्या है, 11, तो के एल एम एन में बैठो तो सबसे पहले 2, फिर 8, 2, 10 और 1, लास्ट में कितना रह गया, 1। अब बेटा इसका क्या होगी संयोजकता, 1 नहीं होगी संयोजकता, क्यों बेटा, कोई इसको 7 इलेक्ट्रॉन तो देगा नहीं, क्या 7 तो इलेक्ट्रॉन कोई देगा नहीं, कोई देगा नहीं, ठीक है, लेकिन बेटा ये किसी को अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके 8 पूरे हो जाएंगे, 2, 8, 18, 32, तो बेटा उसका वो 1 दे देगा, अपनी भी छुट्टी पाएगा, अब इसकी भी टेंशन खत्म, और इसका भी के और एल बराबर हो जाएगा, ये संतुष्ट, तो ये क्या बन जाएगा, Na प्लस, क्यों हो जाएगा, क्योंकि तो बेटा मैंने तुम्हें बताया था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की मात्रा बराबर होती है, प्रोटॉन प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, एक भी इलेक्ट्रॉन चला गया तो प्रोटॉन ज्यादा हो गए, तो कितने ज्यादा हो गया प्रोटॉन, 1 ज्यादा, इसलिए 1 प्लस, ऐसे याद कर लो, मैं तो बहुत डीप साइंस बता दी मैंने तुम्हें, नॉर्मल याद कर लो भैया, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 1 पॉजिटिव हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, पॉजिटिव। अगला देखो ऑक्सीजन के साथ बेटा मेटल किस तरीके से रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन के साथ धातु किस प्रकार से रिएक्शन करता है। देखो बेटा धातु मतलब मेटल, एम लिख रहा हूं, जब भी ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो बेटा धातु ऑक्साइड बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा, धातु ऑक्साइड बनाएगा। बेटा इस बात को तुम ध्यान रखना, जैसे कि सोडियम को अगर मैं ऑक्सीजन के साथ जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, सोडियम के साथ Na2O, या हाँ यही बन गया, ठीक है, तो बेटा सोडियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो क्या बन गया, मेटल ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड बन गया, ठीक है बेटा। अब एक चीज जरा याद रखना, रिएक्टिविटी सीरीज को तुम्हें भूलना नहीं है, रिएक्टिविटी सीरीज को कभी भूलना नहीं है। देखो रिएक्टिविटी सीरीज क्या थी, देखो बेटा दिखाओ, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक लोहा लेड हाइड्रोजन कॉपर और चांदी सोना, ठीक है। अब बेटा एक चीज याद रखना, क्या याद रखना, ये याद रखना कि बेटा जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर हैं, तो जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, बेटा इन्हें रिएक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आती, ये तो बड़े आराम से, बड़े ही आराम से रिएक्शन कर लेते हैं, किसी के साथ आप रिएक्शन करवाओगे तो बड़े आराम से कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा इनके अंदर क्या है, शक्ति है रिएक्शन करने की। लेकिन जो इससे नीचे आते हैं, जो थोड़े कमजोर हैं, उनको थोड़ी सी गर्मी देनी पड़ती है, और जो और भी नीचे आते हैं तो उनमें तो भैया लगातार बहुत ज्यादा गर्मी भी देनी पड़ सकती है। जैसे कि देखो इनसे नीचे कौन सा आता है, सोडियम से नीचे मैग्नीशियम आ गया, जिंक आ गया, बेटा इनको रिएक्ट कराने के लिए अगर मैं इन्हें O2 से रिएक्ट कराऊंगा ऑक्सीजन से, तो मुझे हीट, ये हीट का सिंबल है, मतलब गर्मी या ऊष्मा या हीट देनी पड़ेगी, जब जाके MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, धातु ऑक्साइड बनेगा। और इसके नीचे बेटा कौन से आते हैं, जैसे लोहा हो गया, कॉपर, ये बिल्कुल रिएक्टिविटी सीरीज के नीचे है, कहा है, बिल्कुल रिएक्टिविटी सीरीज के नीचे आ गए। बेटा इन तरह की चीजों में तो भैया बहुत सारी हीट देनी पड़ती है, लगातार बहुत सारी हीट, या तो झटके से काम हो गया, या तो लगातार बहुत सारी हीट देनी पड़ेगी, तब जाके कॉपर ऑक्सीजन के साथ मिलकर कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। ये बेटा इस बात को तुम्हें ध्यान
रखना है, ठीक है बेटा। ओके नाइस, अगला देखो। अब बेटा अच्छा, धातु ऑक्साइड होती कैसी है? क्या धातु ऑक्साइड होती कैसी है? तो बेटा धातु ऑक्साइड जनरली बेसिक होती है, जनरली बेसिक होती है धातु ऑक्साइड, या जिसको हम बेटा बोलते हैं मेटल ऑक्साइड, होती कैसी है? बेसिक कैसी होती है? बेसिक नेचर होता है उनका। क्या बेसिक नेचर होता है उनका? लेकिन कुछ बेटा ऐसी भी है जो एसिडिक नेचर भी दिखा जाती है, एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों दिखा देती है बेटा। इसी तरह के ऑक्साइड्स जो अम्ल भी हो और क्षार भी हो, एसिडिक नेचर भी दिखाएं और ऑक्सिड मतलब एसिडिक नेचर भी दिखाएं और बेसिक नेचर भी दिखा दे, तो बेटा इनका तो कोई एक चेहरा नहीं है, तो इसे हम बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड। और इंग्लिश के अंदर हम इसे कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। क्या? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड का एक फॉर्मूला याद कर लो, एम्फोटेरिक का फॉर्मूला याद कर लो, Al2O3, इसे याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, Al2O3, ठीक है। एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, और एक है जिंक ऑक्साइड, ZnO। इन दोनों को याद कर लेना, हो सकता है तुमसे कल उभयधर्मी ऑक्साइड्स के फॉर्म पूछ ले, या तुम्हें चार ऑप्शन देके पूछे इसमें से उभयधर्मी ऑक्साइड या एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन है। क्या कौन है? अगला देखो बेटा, मेटल पानी के साथ कैसा रिएक्शन करते हैं? मेटल रिएक्ट्स विद वाटर, मेटल रिएक्ट्स विद वाटर, पानी के साथ कैसा रिएक्शन करेंगे? ठीक है, तो देखो जब बेटा मेटल पानी के साथ मिलेगा, H2O के साथ मिलेगा, क्या तो दो चीजें बनाता है, याद रखना। क्या? या तो बनाएगा मेटल धातु हाइड्रोक्साइड, क्या हाइड्रोक्साइड, या तो धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगा या सिंपल मेटल ऑक्साइड बनाएगा, मतलब धातु ऑक्साइड बनेगा। ये दो चीजें ध्यान आपको रखनी है, ठीक है बेटा। अच्छा, जब ऊपर वाले मेटल जो है से सोडियम है पोटेशियम है पानी के साथ जुड़ेंगे, तो कुछ करने की जरूरत है? कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इन दोनों के मिलने पर ये बड़े आराम से NaOH रिएक्ट करेंगे और बेटा हाइड्रोजन गैस निकलेगी और बड़े अमाउंट में हीट निकलेगी, शक्ति निकलेगी। क्यों? सोडियम बेटा इतना ज्यादा, सोडियम पोटेशियम इतने ज्यादा रिएक्टिव है, इतने ज्यादा तगड़े हैं कि बेटा जैसे ही इनको हम पानी से जोड़ते हैं इनकी सब रिएक्शन ऐसी होती है कि आग तक लग जाती है, हाइड्रोजन गैस जो निकलती है उसमें आग तक लग जाती है। बड़े बचाव से इस रिएक्शन को करना पड़ता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। ये तो बेटा रख के हल्की सी हवा पड़ती भी आग लग जाती है इनके अंदर, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में किसमें कैरोसिन ऑयल के अंदर बेटा डालकर रखते हैं। क्यों? ताकि ये रिएक्शन ना कर जाए। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कई बार, ठीक है। अगला, तो ये तो आराम से कर गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके बाद अगर हम कैल्शियम की बात करें, बहुत नीचे है, क्या है? बहुत नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो बेटा ये इतने आराम से नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो? पोटेशियम सोडियम कैल्शियम, तो कैल्शियम बेटा इससे थोड़ा नीचे है, तो ये बेटा हो जाएगा लेकिन इतनी भी तगड़ी रिएक्शन नहीं होगी कि आग लग जाए या बहुत ज्यादा हीट निकले, ठीक है। लेकिन याद रखना बेटा इसके अंदर जो पानी यूज किया जाएगा वो कैसा होगा? कोल्ड वाटर। कैसा होगा बेटा? कोल्ड वाटर, ठंडा पानी। क्यों बेटा? पानी गर्म लेके कोई हम रिस्क लेना है क्या अपने को? है ठंडे पानी के अंदर ही आग लगा रहा है, गर्म पानी के साथ तो फूंक डालेगा। अगला देखो बेटा, अब उससे भी नीचे चल जाते हैं, जरा मैग्नीशियम पे चले जाओ। कहाँ? मैग्नीशियम। अब बेटा इसकी रिएक्टिविटी कम है, तो इसके लिए हम पानी लेते हैं गर्म। कैसे लेते हैं? गर्म पानी। तब हमारा क्या बनता है? MgOH, Mg मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, मतलब मेटल हाइड्रोजन ऑक्साइड, ठीक बेटा। जब भी पानी के साथ रिएक्शन होती है ना, जब भी पानी के साथ वाटर के साथ रिएक्शन होती है, तो मेटल हमेशा क्या बनाता है? हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रो ऑक्साइड। क्या लिख रहा हूँ यार मैं? हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। लेकिन इसके बाद बेटा हम रिएक्शन किससे कराते हैं? भाप से भी करा देते हैं। अब तुम बोलोगे भाप से क्यों? क्योंकि बेटा भाप से अब तुम मोमोज बना सकते हो, तो रिएक्शन भी नहीं करवा सकते। भाप में बेटा बहुत ताकत होती है, भाप से हाथ जल जाता है, भाप तो बहुत गर्म होती है, रोटी को भी फोड़ना एकदम से हाथ तक ला देती है वो। आओ बेटा भाप के साथ करेंगे, तो जैसे ही बेटा हम भाप के साथ किसी की रिएक्शन करेंगे, भाप होता तो पानी ही है ना, लेकिन इसके साथ जो मिलकर बनता है वो हमेशा मेटल ऑक्साइड ही मिलेगा। मतलब क्या मिलेगा तुम्हें? हमेशा मेटल ऑक्साइड मिलेगा, मतलब धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड ही मिलेगा, और कोई दूसरा तुम्हें मिल नहीं सकता।
ठीक है, अब जरा करके देखते हैं। जिंक को मैंने पानी के साथ मिला दिया तो मुझे मिला ZnO, जिंक ऑक्साइड, और इसके अंदर H2 गैस निकली। सेम वही एल्यूमिनियम ले लिया, पानी मिला दिया तो क्या बना, Al2O3 H2 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 H2
तो मैं यहाँ दो मल्टीप्लाई कर दूं एल्यूमिनियम के साथ, 2Al बन गया, ठीक है बेटा, ठीक है, एल्यूमिनियम में बेटा दो था, मैंने यहाँ दो से मल्टीप्लाई कर दिया। अगला बेटा मैं क्या करूँगा, तीन से हाइड्रोजन की मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, काम होता नहीं होता, ये हो गया 3 × 2 = 6। और यहाँ पे यहाँ मैंने क्यों किया था कि ऑक्सीजन तीन हो जाए, ये तो बात सेटलमेंट में आ गई, लेकिन दिक्कत क्या होगी, हाइड्रोजन 6 हो गया और यहाँ पे कितना है, यहाँ दो है, तो बेटा यहाँ पे भी मैं बढ़ा दूँ, तो Al2O3 यहाँ मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 से, ये क्या हो गई, बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। देखो हमारा पिछला भी रिविजन हो गया बेटा, कल पेपर में जरूर आ जाती है ऐसी चीजें, कल क्यों बोल रहा हूँ मैं, चलो ठीक है। हाँ क्या पता बच्चे पेपर से एक दिन पहले देखे, एक घंटे पहले देखे, क्या पता वीडियो पेपर में देख रहे हूँ, हो सकता है, आ जाओ ठीक है। अगर बेटा अगली चीज देखो, मेटल्स को मतलब धातुओं को मैं एसिड से मल्टीप्लाई करा दूँ, किससे, अम्ल से, धातु को, पर ये धातु बेटा एसिड कैसा होगा, डाइल्यूट, डाइल्यूट का मतलब क्या समझ रहे हो, इसके अंदर पानी मिला हो, जिसकी शक्ति कम कर दी गई हो, ठीक है, तो मेटल प्लस एसिड बराबर क्या निकलता है बेटा, हमेशा सॉल्ट निकलता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, मतलब लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। करें सोडियम की, पोटेशियम की, मैग्नीशियम की, ये तो बेटा एसिड से एकदम भाग के रिएक्शन करते हैं वेरी फास्ट, क्यों, वैसे ही पहले बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। बात करें आयरन की, लोहे की, बहुत नीचे है, क्या बहुत नीचे है, बेटा स्लो रिएक्ट करता है, क्या स्लो, सॉरी बहुत धीरे धीरे, किससे, HCl के साथ और H2SO4 के साथ, बहुत स्लो रिएक्ट करता है, ठीक, अच्छा। लेकिन बेटा जो कॉपर है Cu, वो तो डज नॉट रिएक्ट विद HCl और H2SO4, ये तो बेटा रिएक्ट ही नहीं करता, डज नॉट रिएक्ट विद HCl एंड H2SO4, ठीक है बेटा। और ये चीज याद रखनी जरूरी है कि क्या जुड़ता है और क्या निकलता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सी गैस निकलती है जब वो धातु आपस में जुड़ती है, धातु और एसिड, तो धातु और धातु जल निकलता है कि हाइड्रोजन निकलती है, गैस पूछे जाता है, हाँ ये आपको याद हो, रंग परिवर्तन उसमें क्या आता है, ठीक है बेटा इधर आ जाओ बेटा, एक चीज देखो, एक है एक्वा रीजिया, क्या ये एक्वारीजिया क्या है बेटा, एक्वारीजिया है बहुत ही खतरनाक अम्ल, बहुत ही खतरनाक एसिड, ठीक, कैसे बनाया जाता है, HNO3 और HCl को जोड़कर बनाया जाता है, HNO3 और HCl को जोड़कर बनाया जाता है, ये लेते हैं एक पार्ट और ये लेते हैं तीन पार्ट, तो इनका रेशियो रहता है 1/3, उससे बना है एक्वारीजिया, और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जला देगा, फूंक देगा, वसन कर देगा, ठीक है, खरीदने में चला जाना, मिलता नहीं है। अगला देखो बेटा, अब सॉल्ट सॉल्यूशन से अगर रिएक्शन होगा तो क्या होगा, मेटल्स का, बस ये लास्ट है, आ जाओ, मतलब मेटल्स के रिएक्शन का लास्ट है। अगर धातु मतलब मेटल का लवण सॉल्यूशन से, लवण का किसी का बेटा सॉल्यूशन बना हुआ है, ठीक है, मिश्रण बना हुआ है तुम्हारा, उससे अगर उसकी रिएक्शन हो जाए तो क्या हो, देखें जरा आपके में कौन सा टॉपिक है, ये रोक दिया, ठीक है। अब बेटा मेटल्स की रिएक्शन कैसे होगी, सॉल्ट के सॉल्यूशन के साथ, लवण के सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। तो बेटा याद रखना, जैसे जिंक है, मैंने एक एग्जांपल लिया जिंक, कॉपर सल्फेट के साथ मैंने इसको रिएक्ट करवा दिया, तो बेटा इसके अंदर हम देखते हैं कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, पोटेशियम सोडियम एल्यूमिनियम जिंक, वो कॉपर तो नीचे आता है, कॉपर में शक्ति कम है, जिंक क्या कहेगा, कॉपर से चल बेटा जगह खाली कर, हट, तो गया जिंक सल्फेट, और बेटा कॉपर साइड में खड़ा रहना, पर यही होता है, यही है बेटा हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ,
ठीक है। अब बेटा मेटल की हमारी सारी अभिक्रिया खत्म हो गई, जल के साथ करा ली हमने, मेटल की मेटल के साथ करा ली, मेटल की नॉन मेटल के साथ करा ली, एसिड के साथ करा ली, जल से करा ली, भाप से करा ली, है ना। आ गया नॉन मेटल के बारे में सुन लो, अधातु क्या, अधातु, अधातु के बारे में सुनो, सुनो सुनो एक कहानी सुनो। देखो बेटा सबसे पहली बात, जैसे कि मैंने आपको मेटल्स के बारे में बताया था, धातु के बारे में बताया था कि ये इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और पॉजिटिव आयन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और कैसा बनाते हैं, धनात्मक आयन बनाते हैं, पॉजिटिव को बेटा हिंदी में धनात्मक कहते हैं, हाँ, और माइनस को ऋणात्मक कहते हैं, इस बात को भूल मत जाना, ठीक है। और पॉजिटिव आयन को बेटा एक्चुअली में कैट आयन कहते हैं, हिंदी में कट आयन, और इसको एन आयन कहते हैं, मतलब अनायन हिंदी में, यही है बेटा, ये याद करना पड़ेगा। तो सेम बेटा यही चीज है, कोई नई चीज तो इसके अंदर है नहीं, आओ बोर्ड पे फोकस करते हैं। तो बेटा ये क्या करेगा, नॉन मेटल, नॉन मेटल के बारे में हमेशा याद रखना कि ये इलेक्ट्रॉन लेगा, गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन देने से तो पॉजिटिव चार्ज बना, तो लेने से कैसा बनेगा, नेगेटिव चार्ज। जैसे कि क्लोरीन देख लो, क्या क्लोरीन बेटा, इसका क्या बनाओ, इसकी जरा के एलिमेंट भरो, तो 2, 8, 7 2, 8, 7, 17 नंबर है ना। देखो बेटा इसके आउटर शेल में कितना, मतलब बाहर के इसके शेल के अंदर कक्षा में कितने, 7 इलेक्ट्रॉन, पूरा करने के लिए कम से कम आठ चाहिए। तो एक तो इसको कहीं से मिल ही सकता है, तो एक इलेक्ट्रॉन जब इसे मिल जाएगा तो 2, 8, 8 हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या एक बढ़ गई, घटने से पॉजिटिव आता था, बढ़ने पे नेगेटिव आ गया, बन गया नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन, मतलब कैसा, ऋणात्मक, ऋणात्मक आयन, ठीक है, या इसको एन आयन भी कहते हैं। ममता कह रही है क्या क्या बता रहे हैं भैया, बेटा पूरे साल और सुन लेते तो थोड़ा। देखो नॉन मेटल की अगर मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दूं, किसकी, नॉन मेटल को, नॉन मेटल की, नॉन मेटल को एन एम लिख दूं शॉर्टकट में, नॉन मेटल की अगर मैं ऑक्सीजन के साथ, सबसे पहले किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दूं तो क्या बनेगा, एन एम ओ, मतलब नॉन मेटल ऑक्साइड अधातु, ऑक्साइड ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड हो गया, कोई दिक्कत, एक अधातु ले लो जी, कैल्शियम के साथ ओटो मिला दिया सॉरी कार्बन के साथ, कैल्शियम बोल रहा हूँ, कैल्शियम तो मेटल है, कार्बन के साथ, कैल्शियम का सीओ होता है वैसे भी, कार्बन के साथ सीओ मिला दिया, बना सीओ, या एक और दे सकते हो, इसको बोला सीओ टू कार्बन डाई ऑक्साइड बन गया। अब एक बात जरा याद रखो, अब हम इसके आगे में क्या पढ़ना है कि बेटा किस तरीके से ये रिएक्ट, नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करेगा, एसिड से, फिर हम पढ़ेंगे बेस से, फिर हम पढ़ेंगे इसको पानी से, फिर हम पढ़ेंगे इसको भाप से, इस तरीके से पढ़ेंगे, है ना क्योंकि नॉन मेटल बेटा ना तो पानी से रिएक्ट करता है, ना तो अधातु पानी से रिएक्ट करता है, ना भाप से करता है, ना एसिड से करता है, तो ये सारी चीजें हमें नहीं पढ़नी। बजाओ बच्चा ताली, मजा आया, चलो तो अगला हमें एक्चुअली पढ़ना गया है, पढ़ना गया है तो हमें बेटा यहाँ पढ़ना है, देखो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद सॉल्ट, मतलब नॉन मेटल बेटा सॉल्ट सॉल्यूशन से तो कर ही सकता है ना, लवण के सॉल्यूशन से, नॉन मेटल किसके साथ रिएक्शन विद, रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन, किसका, नॉन मेटल का। यहाँ भी बेटा कोई नई चीज नहीं है, ये रहा एन ए सोडियम ब्रोमाइड क्लोरीन, ये हो गया 2NaCl+ ब्रोमाइन, क्या हुआ बेटा इसके अंदर, समझ में आया, ज्यादा रिएक्टिव ने कम रिएक्टिव को उठाकर बाहर फेंक दिया, सेम बेटा वही केस यहाँ पर, वही केस यहाँ पर, इसी के साथ बेटा मेटल और नॉन मेटल्स के रिएक्शंस खत्म हुई, ठीक। अब बेटा नई चीज देख लो, मेटल और नॉन मेटल जो बेटा रिएक्ट करते हैं तो हमने समझ लिया, अब बेटा हमको क्या समझना है, हमको एक ऐसी बात समझनी है कि बॉन्ड आपस में कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे आपस में आदान प्रदान किए जाते हैं। आओ बेटा देखो,
हमारे पास एक कंपाउंड है NaCl सोडियम क्लोराइड, जिसको क्या बोलते हैं कॉमन सॉल्ट, मतलब घरेलू नमक। यह बनता कैसे है मुझे पता है भैया, सोडियम जो होता है उसकी क्या बनती है 11 से 2, 8, 1, और बेटा क्लोरीन की बात करें तो उसका बनता है 2, 8, 7। इसके पास बेटा लास्ट में एक है, 8 पूरा करने के लिए 7 सी, ये 7 कोई देगा नहीं, तो ये क्या करेगा, ये बोलेगा भैया मुझसे ले जाओ, मेरे तो लास्ट में 8 हो जाएंगे, मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन इसको तो पूरा करने के लिए सिर्फ क्लोरीन को कितना चाहिए, एक, इसको एक चाहिए और उसको एक देना है। अगर मैं इसको इस तरीके से बना लूं कि सोडियम ने जब एक था इसके पास ये रहा, और क्लोरीन की देखें तो कितने लास्ट में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसको एक चाहिए, क्या एक चाहिए। इसने जैसे ही इसको एक दिया इसका पूरा हो गया, तो ये हो गया नेगेटिव, और इसने जैसे ही एक दिया ये हो गया पॉजिटिव, क्या हो गया पॉजिटिव, समझ में आ गया। तो इन दोनों के बीच में बेटा जो बॉन्ड बना, जो बेटा इन दोनों के बीच में आबंध बना, वो कैसा है, आयनिक आबंध, आयनिक आबंध, दोनों के बीच में आयन्स का आदान प्रदान हुआ ना, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ ना, ठीक है। और बेटा याद रखना इस तरह का आबंध कैसा होता है, बहुत मजबूत आबंध होता है, और इस आबंध को बेटा कौन कंप्लीट कर पाएगा, जिसको 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट्स के नंबर याद होंगे और के एलिमेंट में भरना आता होगा, के में 2, 8, 18, 32 इस तरीके से बेटा भरे जाते हैं। और अगर आपको नहीं आता तो 9th क्लास की एटम वाला चैप्टर खोल के देखना, अणु अणु परमाणु वाला चैप्टर, उसके अंदर मैंने करा रखा, वीडियो में अच्छे से देख लेना, ठीक है। वीडियो तो बहुत देखते हो तुम, ये वाली भी देख लेना पड़ेगी, है ना। देखो हो सकता है कल कोई चित्र आ जाए बनाने के लिए। याद रखना बेटा आयनिक बॉन्ड जो होते हैं, आबंध जो होते हैं, जो आयनिक बॉन्ड बनते हैं बहुत मजबूत होते हैं, क्या होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं। तो बेटा इनको गलाना, इनको तोड़ने के लिए हमें बहुत ऊर्जा चाहिए, हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। सिर्फ पानी के अंदर घुल सकते हैं, सिर्फ पानी, पानी के अंदर मतलब पोलर सब्सटेंस, मतलब पानी जैसे सब्सटेंस के अंदर घुल सकते हैं। और बेटा ये भी सॉलिड होते हैं, मतलब जब भी सूखे होते हैं, इनमें पानी नहीं मिला जाता तो बिजली इनके अंदर नहीं चल सकती। जैसे हम इन्हें पानी में डालते हैं, इनके आयंस मूव करना चालू करते हैं, आयंस पानी के अंदर चलने चालू करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, तब बेटा इलेक्ट्रिसिटी चल सकती है, ठीक है बेटा। अगर मुझे दिखाओ, देखो बेटा अब बेटा लास्ट चीज है कि मेटल जो होते हैं, जो धातु होती है, मिलती कैसे है, धातु मिलती कैसे है। तो बेटा धातु जो होती है हमारे धरती में मिलती है, अर्थ के क्रस्ट में मिलती है मेटल, या बेटा ओशंस के अंदर मिलती है, मतलब समुद्र के अंदर मिलती है, ठीक। कुछ धातु तो ऐसी होती है बेटा, रिएक्टिविटी सीरीज देखी ना, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ठीक, जिंक, उसमें जो सबसे नीचे की तरफ होती है बेटा, उनकी रिएक्शन तो बहुत कम होती है, वो बहुत कम रिएक्ट करती है, बहुत कम अभिक्रिया करती है, तो कैसी मिलती है, मुक्त मिल जाती है। मुक्त का मतलब मुफ्त नहीं, मुक्त का मतलब होता है किसी से जुड़ी हुई नहीं मिलती, अलग ही मिल जाती है। लेकिन जो बेटा बहुत रिएक्टिव धातु है, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये धातु बेटा किसी ने किसी के साथ हमेशा जुड़ी हुई मिलती है, कैसी मिलती है, जुड़ी हुई मिलती है। तो कोई मुक्त रूप में मिलती है और कुछ खुले रूप में मिल जाती है, या मतलब बंधे रूप में, कंपाउंड के रूप में मिल जाती है, ठीक है। अब बेटा मिनरल भी ना दो प्रकार जो, हाँ मिनरल तो मैंने तुम्हें बताया नहीं बेटा, मिनरल का मतलब होता है ऐसा, मिनरल का मतलब है जिसके अंदर से हमें धातु प्राप्त होती है, जिसके अंदर से हमें धातु प्राप्त होती है, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। और जो हमारा, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ मिनरल की, उसको बेटा अयस्क कहते हैं। तो मिनरल क्या है, धरती से मिलता है मिनरल, उन मिनरल के अंदर से निकलती है बेटा मेटल या धातु, ठीक है, उसको अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। जैसे लोहा जिससे मिलेगा, लोहो अयस्क, मतलब जिससे लोहा मिलेगा वो लोहो अयस्क, मतलब मिनरल ऑफ आयन, ठीक है। और कई बेटा कई सारे धातु एक बार जुड़ी हुई मिल जाती है, मैंने तुम्हें बताया, तो उन्हें अलग अलग करना पड़ता है। इसके अंदर बेटा खाली है तो यानी लोहा लोहा निकल आएगा, चीजें उनके अंदर बेटा गंदगी भी निकलेगी, धरती में से निकलेगा तो धूल मिट्टी ये सब भी उसके अंदर होगा। तो जब हम उसकी सफाई करते हैं और धातु को उससे अलग करते हैं, मेटल को उससे अलग करते हैं, तो जिसमें जो गंदगी होती है उस गंदगी को बोलते हैं गंगू। क्या बोलते हैं, गंगू, गंगू हिंदी में कहते हैं गंगू और इंग्लिश में कहते हैं गैंग। क्या कहते हैं, गैंग, जो गंदगी बाहर हो जाए उसको गंगू या गैंग इंग्लिश में कहते हैं। बात समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं बेटा, उनकी साफ सफाई जो करते हैं, जो गंदगी बाहर निकालते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं हम, अयस्क की सफाई, और इंग्लिश में कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। अभी ओर्स क्या शब्द आ गया, अयस्क के लिए ओर क्या शब्द आ गया, ओर, तुम्हारे हिंदी में भी ओर बोलते हैं बेटा, ओर का मतलब होता है सफाई के बाद जब गंदगी मिनरल से हट जाए और जब काम की चीज बचे, ठीक, उसे ओर बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, ओर। तीन चीज समझ में आ गई, गंगू और ओर जब आपस में मिले होते हैं तो क्या कहलाता है, अयस्क, मतलब मिनरल, मिनरल से क्या निकलता है, ओर्स, और ओर्स के साथ क्या निकलते हैं, गंदगी, जैसे गंगू कहते हैं, बोलते हैं।
ठीक है बेटा, ओल्ड ब्रिज तीन तरह के होते हैं, मैंने तुम्हें बताया क्यों होते हैं तीन तरह के। एक तो बेटा रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर बहुत तेज रिएक्शन वाले, एक बीच में कम रिएक्शन वाले, और एक होते हैं लास्ट में बिल्कुल ही कम रिएक्शन वाले, बिल्कुल ही मुक्त मिल जाएंगे और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो बेटा हमने इसको देखो कैसे बांटा हुआ है, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को हमने बेटा तेज श्रेणी में रखा है, पहली श्रेणी में। जिंक लोहा पीवी लेड कॉपर तक हमने बेटा बीच की सीरीज में रखा है, और एचजी एएचजी एजी और एयू सोना चांदी तक को बेटा हमने लास्ट में सबसे कम रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर रखा हुआ है। ठीक है बेटा, देखो बेटा ये पूरी की पूरी टेबल एनसीईआरटी के अंदर दी हुई है। हमने आपको बताया था कि हमने मेटल्स को तीन भागों में विभाजित कर दिया है, हाईली रिएक्टिव ये रहे, मीडियम रिएक्टिव ये रहे, लेस रिएक्टिव ये रहे। अब बेटा इनको निकालने के लिए, इनकी सफाई के लिए क्या करते हैं, और मतलब गंदगी हटा दी, जब हमने अयस्क से हटा दी, मिनरल से जब गंगू को अलग कर दिया और मिला, और की कंसंट्रेशन मतलब इसकी सफाई के तीन प्रोसेस हैं। जो सबसे हाई रिएक्टिव है उसको मैं इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से प्योर करता हूँ। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है इस बेटा चैप्टर के, मतलब इस वीडियो के बाद बताऊँ, इस वीडियो के एंड में बताऊँगा, सॉरी मतलब इसके बाद ही बताने वाला हूँ, ज़्यादा दूर नहीं है। मीडियम वालों के अंदर बेटा दो तरह के अयस्क मिलते हैं हमें, दो तरह के मीडियम वाले कैसे मिलते हैं, दो तरह के अयस्क, पहला कार्बोनेटेड और सल्फाइड पोर्स। बेटा इन दोनों को मुझे ऑक्साइड में बदलना होता है। क्यों बदलना होता है ऑक्साइड में, क्योंकि ऑक्साइड को बेटा साफ करना और उनसे मेटल को निकालना बड़ा ही आसान होता है। तो कार्बोनेटेड और जो होते हैं उनके साथ हमें कैल्सिनेशन करना होता है, जिसे हम कहते हैं भर्जन। क्या? भर्जन। और रोस्टिंग का मतलब है निस्तापन। इस बात को बेटा बिल्कुल प्यार से याद रखेंगे, श्रद्धा भाव से, ठीक है। कार्बन चीज से याद रखना, तो कार्बोनेटेड और के साथ कैल्सिनेशन किया जाता है, हो सकता है तुमसे कल क्वेश्चन पूछ ले जाए छोटा एक आधा नंबर का, कैल्सिनेशन। और सल्फाइड के साथ रोस्टिंग की जाती है। अभी कैल्सिनेशन क्या है, कैल्सिनेशन का मतलब प्रेजेंस ऑफ एयर, मतलब जब हवा की उपस्थिति में किसी चीज को गर्म किया जाए या जलाया जाए वो कहता है कैल्सिनेशन। और बेटा जब हवा की अनुपस्थिति में, बिल्कुल वैक्यूम बनाकर हवा की अनुपस्थिति में जब बेटा किसी चीज को गर्म या जलाया जाए उसे निस्तापन कहते हैं। इन दोनों प्रक्रिया से हमें ऑक्साइड ऑफ मेटल मिलता है। ऑक्साइड मिला, ऑक्साइड को क्या करेंगे बेटा, ऑक्सीजन को हटाना है तो रिडक्शन कर देंगे। क्या कर देंगे? रिडक्शन ऑफ मेटल। अब बेटा ऑक्साइड हट गया, उसका रिडक्शन हो गया, लास्ट में बेटा क्या करेंगे, थोड़ा उसके अंदर जो गंदगी वगैरह और कुछ बचा हो तो उसको लास्ट प्योरिफिकेशन करते हैं और प्योर मेटल हमें मिल जाता है। यहाँ पर तो बेटा सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, यहाँ पर आयरन कॉपर जैसे बीच के मैंने आपको बताया था। लास्ट बेटा इनको तो बहुत सबसे आसान है, ये सल्फाइड और सी होते हैं। कैसे? सल्फाइड और। इसके अंदर बेटा सल्फाइड और के अंदर तो बहुत नॉर्मल काम है कि हम इसको कैल्सिनेशन से ही कर डालते हैं बाहर, आराम से वायु की उपस्थिति में आग लगाइए, जलाइए, बहुत आराम से बेटा ये साफ हो जाते हैं, रिएक्ट हो जाते हैं, रिफाइन हो जाते हैं और प्योर मेटल में मिल जाते हैं, जैसे चांदी और सोना। इसी के साथ बेटा ये टेबल हो गए। ओके, देखो बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस देख लो, यह बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसका मतलब क्या है, एक बीकर है, बीकर के अंदर बेटा एक एनोड है, एक कैथोड है। कैथोड क्या होता है, नेगेटिव, इसकी तरफ हमेशा पॉजिटिव आयंस चलते हैं। एनोड क्या होता है, पॉजिटिव, उसकी जगह हमेशा नेगेटिव आयंस चलते हैं। मान लो बेटा मेरे पास सोडियम क्लोराइड का एक सॉल्यूशन था, इसको मुझे साफ करना है, ऊपर से मैंने करंट चलाया तो Na के अंदर Na क्या होता है, पॉजिटिव, जानते हो तुम करके आए हो, और Cl क्या होता है, नेगेटिव आयंस। तो बेटा सोडियम इस तरफ और कैल्शियम इस तरफ जमा हो जाएगा, इस रॉड्स पे चढ़ जाएगा और हमें मिल जाएगा बेटा, ये एक एसिनेशन कहलाता है। इस पे इसी का यूज करके बेटा हम कई और मेटल्स को जैसे कॉपर को भी साफ कर सकते हैं, ठीक है। गैल्विनाइजेशन का भी क्या मतलब होता है, जिस जिंक ले लें, क्या जिंक, जिंक, जस्ता, क्या जस्ता, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, मैंने क्या बोला था, जब लोहे पे जंग लगने की बात की थी, क्या बोली थी, लोहे पे जंग लगने की बात की थी, लोहे पे जंग लगने के बचाने के लिए हमने ऑयल बताया था, ग्रीस बताया था, पेंट बताया था, साथ में बेटा गैल्विनाइजेशन भी बोला था। क्या? गैल्विनाइजेशन भी, हिंदी में भी गैल्विनाइजेशन बोलते हैं, बोला था। इसको जस्तीकरण बोलते हैं, इसका मतलब जस्ता। क्या जस्ता। बेटा मेटल पर जिंक की लेयर चढ़ा देना, जिंक की लेयर चढ़ा देना, क्या करना, लेयर का कवर बना देना, यही कहलाता है। और बेटा कहाँ होता है, ये भी बीकर के अंदर ही होता है, कैल्विनाइजेशन होता है, यहीं पर होता है, ठीक है। इसी के साथ आपका चैप्टर